वेलकम दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे घड़ियों के इतिहास के बारे में। दोस्तों घड़ी पहनना हम सबको अच्छा लगता है, हम सबके हाथ में घड़ी होती है। दोस्तों आज मार्केट में तरह तरह की ब्रांडेड घड़ियाँ आ चुकी हैं, महंगी से महंगी घड़ी मार्केट में बाज़ार में हमें उपलब्ध हो जाती है एकदम आसानी से। हम चाहे तो डायरेक्ट शॉप पर जाकर खरीद सकते हैं या फिर हम ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बहुत सुविधा हो चुकी है, दौर बदल चुका है। तो दोस्तों इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों एक दौर था जब घड़ियों को सिर्फ टाइम देखने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन दोस्तों आज के दौर में घड़ी सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं बल्कि एक फैशन बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों जब हम बाज़ार जाते हैं घड़ी खरीदने के लिए तो हमें तरह तरह की ब्रांडेड वॉच ब्रांडेड घड़ियाँ हमें देखने को मिलती है जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है और लोग आज के दौर में महंगी से महंगी घड़ी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों घड़ियों के कई प्रकार हैं, तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि घड़ी बनी कैसे, कैसे उसमें मॉडिफिकेशन होते गए, कैसे चेंजेस होते गए, कैसे बदलाव आते गए घड़ी में। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहले घड़ी कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों दुनिया की सबसे पहले घड़ी जो बनाई गई थी वो थी सन क्लॉक यानी कि सूर्य घड़ी। दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है सूर्य घड़ी जो एक डायल की तरह बनाई गई थी जिसमें बीच में एक सेंटर पॉइंट होता था, इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो सूरज की रोशनी से वो जो उसका सेंटर पॉइंट था उसकी छाया जिस डायरेक्शन में पड़ती थी उस डायरेक्शन को देखकर समय का अंदाज़ा लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों इस घड़ी में एक खामी नज़र आई, जैसे कि बादल होने के समय अगर बरसात का मौसम है मतलब बादल गिर जाते हैं तो बादल होने के टाइम पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, सूरज की रोशनी नहीं पड़ने की वजह से समय का एग्जैक्ट पता नहीं चलता था। और पहले के ज़माने में लोग ज़्यादातर सूरज की रोशनी से ही समय का अंदाज़ा लगा देते हैं, जैसे कि पेड़ की छाया किस डायरेक्शन में पड़ रही है या फिर किसी वस्तु की परछाई देखकर भी समय का अंदाज़ा लगा देते थे। और रात के समय का अंदाज़ा लगाने के लिए दोस्तों पहले के लोग सूरज नक्षत्रों का इस्तेमाल करते थे, मतलब चांद तारे ये नक्षत्रों का इस्तेमाल करते थे। उस समय रात का टाइम का एक अंदाज़ा लगाया जाता था। लेकिन दोस्तों ये खामियाँ होने की वजह से फिर घड़ी में बदलाव होते गए। सूर्य घड़ी के बाद यानी कि सन क्लॉक के बाद फिर आई रेत घड़ी। दोस्तों कहा जाता है कि ये जो रेत घड़ी है ये रेत घड़ी अरब में बनाई गई थी, मतलब रेत घड़ी आपने देखी होंगी अक्सर हिस्टोरिकल मूवीज हम देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि कांच के दो बॉल होते हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, उसमें रेत भरी हुई होती है और धीरे धीरे वो रेत एक बॉल से दूसरे बॉल में नीचे आती है, तो वो देखकर लोग पहले टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। तो अरब में जब रेत से काज बनाने की कला जब शुरू हुई तो उस दौर में कहा जाता है कि ये घड़ी बनाई गई। लेकिन दोस्तों इसमें भी बहुत सारी कमियां खामियां नज़र आने के बाद फिर घड़ी में और तरक्की होती गई, टेक्नोलॉजी बदलती गई, फिर रेत घड़ी के बाद जो घड़ी आई वो आई पानी घड़ी जिसे हम कहेंगे वाटर क्लॉक। जी हाँ दोस्तों वाटर क्लॉक मतलब एक प्रकार का एक बर्तन होता था जिसमें ऊपर पानी भरा हुआ होता था, उसमें कुछ डायल्स लिखे हुए होते थे, डिजिट लिखे हुए होते थे और एक उसके नीचे की मुंह के साइड से जो है पानी की एक एक बूंद टपकती थी नीचे एक छोटे बर्तन में। लेकिन उसमें क्या होता था दोस्तों पानी के प्रेशर को कंट्रोल करना जो है वो मुमकिन नहीं था, मतलब कभी पानी धीरे गिरता था कभी स्पीड से गिरता था, मतलब पानी की स्पीड को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं था। तो दोस्तों कुछ इतनी कारगर साबित नहीं हुई वाटर घड़ी। फिर उसके बाद ईजाद हुआ घंटाघर, फिर 16वीं सदी में कई राजा महाराजाओं ने घंटाघर बनाए। दोस्तों घंटाघर अभी इसके नाम में ही घंटाघर एक बड़ी सी इमारत होती है जिसके टॉप पर एक बड़ी सी घड़ी लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों टाइम देखने के लिए आज भी हमें कई शहरों में देखने को मिल जाती है, आज भी मौजूद है ये घंटाघर। जी हाँ दोस्तों फिर घंटाघर की इतनी बड़ी घड़ी, जैसी घड़ी के इतिहास में डेवलपमेंट होती गई तो घंटाघर की जो घड़ी है वो छोटी हो गई। फिर उसके बाद आई पॉकेट वॉच। पॉकेट वॉच दोस्तों हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि इसमें पॉकेट वॉच बताई जाती है जिसमें एक बंदा अपने जेब में से वॉच निकालता है, स्टाइल से टाइम देखता है और वापस जेब में रख देता है। दोस्तों ये जो पॉकेट वॉच थी जब ये पॉकेट वॉच का आविष्कार हुआ तो अक्सर ये अमीरों के पास हमें देखने को मिलती थी क्योंकि उस दौर में इस घड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा थी और गरीबों को इस घड़ी को ख़रीदना पॉसिबल नहीं था उस दौर में, तो ये अमीरों की घड़ी मानी जाती है। और आज भी मतलब ये विंटेज घड़ियों में शामिल होती है, ये घड़ी आज भी मौजूद है, वैसे मिलती है अगर किसी को लेनी है तो आप ले सकते हैं,
लेकिन दोस्तों अब तो इसमें बहुत तरह के स्टाइल ब्रांड वगैरह आ चुके हैं, लुक्स इसके बहुत ज़बरदस्त आ चुके हैं। इसमें इसका मैकेनिज्म, इसके कलर्स, पैटर्न्स, इसमें क्या क्या मतलब हीरे मोती सोने चांदी, आपको जैसी घड़ी चाहिए आप वैसी घड़ी आज ले सकते हो दोस्तों। फिर पॉकेट वॉच में बदलाव हुआ, फिर आई रिस्ट वॉच यानी कि कलाई पर पहने जाने वाली घड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो घड़ी यूज़ करते हैं वो है रिस्ट वॉच, जो हम अक्सर कलाई पर पहनते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी तरह तरह के ब्रांड्स, घड़ी बनाने वाली कंपनियाँ, मतलब हर तरह की घड़ियाँ आज बनाई जा रही है। आपको बस सोचने की ज़रूरत है कि मुझे इस तरह की घड़ी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली मिली जाएगी, किसी भी हालत में आपको मिली जाएगी। बस शर्त ये है कि आपके पास पैसे होने चाहिए उतने। दोस्तों आपको जैसी घड़ी चाहिए वैसी मिलेगी। फिर रिस्ट वॉच के बाद आई इलेक्ट्रॉनिक वॉच। इलेक्ट्रॉनिक वॉच जैसे कि इसके नाम में हमें पता चल जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉच जब आई तो उसमें जो होते थे टाइम देखने के लिए डिजिट आते थे दोस्तों, जैसे कि मोबाइल में अभी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉच, आज भी है हमारे मोबाइलों में, आज भी इलेक्ट्रॉनिक वॉच है। लेकिन दोस्तों ये घड़ियों का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू से लेकर अब तक घड़ियों में कैसे बदलाव होते गए, कैसे उनकी टेक्नोलॉजी बदलती गई, कैसे चेंजेस आते गए इसमें, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो आई उसमें डिजिट में हमें टाइम बताया जाता था, फिर इसमें और डेवलपमेंट हुई डिजिटल वॉच के बाद, जो अब आ चुकी है स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच तो आप सबको पता है दोस्तों, जिसमें मोबाइल की तरह कई बहुत सारे एप्लीकेशंस उस वॉच में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हम कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं। टाइम देखने के साथ साथ ये घड़ियाँ हमारे हार्ट की बीट बताती है, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर कितना है ये बताती है, हमारी पल्स कितनी स्पीड पे चल रही है ये बताती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया घड़ियों में कैसे बदलाव आते गए, कैसे घड़ी सूर्य घड़ी से सन क्लॉक से आज की स्मार्ट वॉच तक पहुंची। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।